दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को भारतीय टीम में खेलता हुआ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की हार को देख संजू सैमसन तो भावुक हो गए, लेकिन खुद टीम में खेलने पर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। आखिरकार सैमसन ने अपने बयान में क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या सैमसन को भारतीय टीम में खिलाना चाहिए और सैमसन पंत व धोनी में कौन बेहतर है, इसका भी जवाब नीचे जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम भले ही फिलहाल बांग्लादेश में है, लेकिन वनडे सीरीज का सफर तो दो मैचों में ही खत्म हो गया। सीरीज दोस्तों 3 मैचों की थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम 2 मैचों को ऐसे हारी कि मानो गली क्रिकेट खेल रही हो। दोस्तों, पहले वनडे मैच में तो भारतीय क्रिकेट टीम 1 विकेट के अंतर से हार गई, और जब दूसरे वनडे मैच में 1 विकेट के अंतर से जीतने की बारी आई तो आखिरी गेंद पर हमें मैच से हाथ धोना पड़ गया। दूसरा वनडे मैच भी वहीं खेला गया जहां पर पहला मैच था। खैर, मैच की शुरुआत अच्छी नहीं थी, हम टॉस भी हारे और हमारे कप्तान चोटिल होकर बाहर भी चले गए थे। हालांकि इसके बाद गेंदबाजों ने अच्छा पेस मेंटेन किया, ना उमरान मलिक ना ही वॉशिंगटन सुंदर बल्कि मोहम्मद सिराज ने भी 2 बड़े विकेट अपने नाम कर लिए थे। यहां तक कि कप्तान लिटन दास को बड़े सस्ते में निपटा दिया था उमरान मलिक ने। 270 रन के दायरे के अंदर बांग्लादेश के 6 विकेट गिर गए थे और लग रहा था कि जीत भारत के कदम चूमेगी। लेकिन इसके बाद आता है शतक उस खिलाड़ी का, मेहदी हसन का, जिन्होंने पहले वनडे मैच में भारत के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ कर रख दी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बार तो महमूदुल्ला भी 77 रन बनाते हैं और भारत को लक्ष्य मिलता है 272 रन का। लक्ष्य बहुत बड़ा था और जाहिर सी बात है इसे चेस करने के लिए बड़ी पारियां, बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी, जो भारत को शुरुआत से ही नहीं मिल पाई। दोस्तों, विराट कोहली, धवन के साथ साथ अगर वॉशिंगटन सुंदर और केएल राहुल के सबके रन मिलाए जाए तो ये टोटल 50 रन भी नहीं बनते। हाँ, श्रेयस अय्यर ने 82 रन और अक्षर पटेल ने 55 से ज्यादा रन जरूर बनाए थे, लेकिन जीत का ये पुल ज्यादा मजबूत था ही नहीं। जब शार्दुल ठाकुर आउट हुए तो चोटिल रोहित शर्मा मैदान में आए, उन्होंने 200 लगभग 28 गेंदों के अंदर 51 रन की तूफानी ताबड़तोड़ 5 छक्कों वाली पारी तो खेली, लेकिन ऐसी पारी का क्या फायदा जो अंतिम बॉल पर टीम को जिता ना पाए। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की हार को देख बुरी तरीके से टूट गए संजू सैमसन और फिर से देश के लिए खेलने पर अब तो कुछ ऐसा कह दिया है कि वाकई में सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। आखिरकार अपनी टीम की हार को देख क्या बोले सैमसन अपने बयान में, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, संजू सैमसन ने भारतीय क्रिकेट टीम की हार को देखकर कहा, पिछले 2 मैचों में मैंने अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बहुत क्लोजली नोटिस किया है और ये पाया कि सबने मेहनत तो बहुत करी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी जरूर थी हमारी तरफ से भी। इस बात में कोई शक नहीं कि हर एक खिलाड़ी अपने देश के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रदर्शन करता है और रोहित भाई ने ऐसा बेस्ट प्रदर्शन करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी, लेकिन बस अगर बल्लेबाज दोनों मैचेस में थोड़े और ज्यादा रन बनाते तो हमारी टीम के जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते। उम्मीद है हम आखिरी वनडे मैच को जरूर जीतेंगे और हाँ, अगर भारतीय बोर्ड मुझे मौका देगा तो अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का पूरा प्रयास करूंगा जी जान एक कर। अभी भी हमारी टीम सबसे ऊपर है और हमेशा रहेगी। दोस्तों, संजू सैमसन ने भारतीय क्रिकेट टीम की हार पर दुख भी व्यक्त किया और वो इच्छा भी जाहिर कर दी जो सालों से वो अपने अंदर दबाए हैं। आज तक उन्हें मौके मिलते रहे हैं, फिर टीम से निकाला गया है, फिर मौका दिया जाता है और फिर से बाहर का रास्ता खोल दिया जाता है। सैमसन बहुत डिजर्विंग प्लेयर हैं और अगर वो फिलहाल केएल राहुल की जगह विकेट कीपिंग और बैटिंग करें तो शायद भारत को अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, सैमसन को भारतीय टीम में खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।